नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पूजा अग्रवाल किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल एक रेसिपी लेके आई हूँ, जो एक मैजिकल रेसिपी है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये विंटर्स में बनाइए, आसानी से बन जाता है और कुछ भी झंझट नहीं है और सारे सामान इजिली मिल जाएंगे आपको, और इस वक्त बनाएंगे तो काफी आसानी से बन जाएगा। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ एक आयुर्वेदिक चूरन, एक मैजिकल चूरन, जो आप एक बार बना के अच्छे से रख ले तो 10 साल तक खराब नहीं होने वाला। फ्रेंड्स, ठीक है, कांच की बोतल में बना के रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा जब जरूरत पड़े एक छोटे बोतल में आप निकालते जाइए जब भी फिनिश हो। ओके, तो चलिए इंग्रीडियंट्स क्या चाहिए मैं बताती हूँ आपको। देखिये, फर्स्ट हमें चाहिए ये 50 ग्राम जीरा है, 50 ग्राम दाना मेथी, 50 ग्राम अजवाइन और ये अराउंड 200 ग्राम्स कटे हुए अदरक है। अदरक को अच्छे से धो के आप सुखा लीजिए, फिर ऐसे आपको पीसेस काट लेने हैं। स्क्वायर काटिए, लंबे काटिए, जैसे एज यू विश आप पीसेस कर सकते हैं इसके। ओके, और अगर आपको काटने में तकलीफ हो तो बहुत मोटा अगर ग्रेटर हो तो उससे भी आप ग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सूख के बहुत पतला हो जाएगा। तो हम चाहते नहीं कि इसे ग्रेट करे, चॉप करे तो ही थोड़ा अच्छा लगेगा टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है। और ये है पीपल, ये बहुत जरूरी है, ये पसारी की दुकान पे कोई भी मोदी खाने में मिल जाएगी आपको। ये देखिए पीपल है, पीपली भी कहते हैं इसे, ये ग्रीनिश ब्लैक होता है। ये देखिए, ये 50 ग्राम्स मैंने लिए है, ये एक तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए ऐसा होता है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये फ्रेंड्स। ठीक है, ये 50 ग्राम्स है, इसको धो के सुखा लीजिए, उसके बाद इसे आप हम यूज करेंगे अपने चूरन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या क्या मैं फिर से एक बताती हूँ। जीरा, मेथी, अजवाइन, अदरक, पीपल, सेंधा नमक और बहुत सारे नींबू। ठीक है, और ऐसे एक भांड चाहिए जिसमें हम इसे बनाएंगे, ये 1.5 महीना तक इसमें रखेंगे जब तक ये सूख नहीं जाए। ठीक है, तो हम इसमें बनाएंगे और इसके नीचे एक प्लेट रखेंगे इसे सिक्योर करने, ताकि कोई ठोकर लगे तो ये टूट ना जाए। ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा साइज का प्लेट पे इसे रखेंगे, कवर करके कपड़ा लगा के रोज इसी में सुखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कांच का ही आपको लेना है, कोई भी सिरेमिक का चलेगा, एनी सिरेमिक बोल विल डू। ओके, कोई भी मेटल का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे मसालों को मैंने धूप लगा लिया। ठीक है, घंटे दो घंटे एकदम अच्छे से धूप लगा लीजिए आप, अदरक को धूप लगाने की जरूरत नहीं, ये सारे हो गए। अब डायरेक्टली बस हमें क्या करना है, ये बोल लेना है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें इसमें बस सीधे से डाल देना है। फ्रेंड्स, बोल याद रखिएगा, एकदम जितना बड़ा हो आपके पास उतना बड़ा लेना है, काफी बड़ा बोल लेना है, क्योंकि हम इसमें जैसे जैसे नींबू डालेंगे ये थोड़ा फूलेगा, डबल हो जाएगा क्वांटिटी में, तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए मेरे पास तो इतना ही बड़ा था, इसलिए मैंने ये लिया। आप अराउंड 3 kg का हो तो बेटर है, क्योंकि मिक्सिंग में भी आराम रहेगा और रखने में भी। ठीक है, तो देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगी मैं, सेंधा नमक डालूंगी, अंदाजे से ही डाल रही हूं। ठीक है, अब इसे थोड़ा मिक्स करना है फ्रेंड्स, और जो लम्स है वो घबराने की कोई बात नहीं है, वो घुल जाएंगे। इसमें हम अभी लेमन भी डालेंगे। बस इसमें कोई भी अनाज का, आटा वगैरह कोई चीज का या गीला हाथ आप ना लगाएं। एक चम्मच इसी के साथ हमेशा वुडन चम्मच या कोई कांच का अलग से रखें, सिरेमिक का या कोई वुडन, और उसी से इसे स्टर करें। ये देखिए रफली मैंने इसे मिक्स कर दिया है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको नींबू दिखाया था, वो लेमन को मैंने काट के इसमें सारा जूस इकट्ठा कर लिया और सीड्स मैंने निकाल के फेंक दिए। ठीक है, और ये काफी सारा लेमन है, अंदाजे से मैंने ले लिया। इतना लेमन आपको लेना है कि ये पूरा डिजोल्व, मतलब इसमें मिक्स हो जाए, ये हल्का सा डूब जाए। ठीक है, यहां तक लेवल हो, अराउंड यहां तक। ठीक है, ये इतना सा इसमें डाल के हम मिक्स कर देंगे, और कम हो तो थोड़ा और ले लेंगे, और थोड़े बहुत अगर सीड्स रह गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो निकाल सकते हैं। अगर रह भी गया तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बस वो खाने के टाइम थोड़ा चूरन खाएंगे तो खारा सा आएगा मुंह में। ये थोड़ा रह गया, मैं निकाल देती हूँ। ठीक है,
अब लेमन डाल के हमें इसे मिक्स करना है फ्रेंड्स। देखिए ये पूरा जूस में डूब चुका है। इसका अराउंड फ्रेंड्स 1 kg चूरन बन जाएगा आपका, क्योंकि जैसे जैसे हम लेमन और डालेंगे, लेमन डालेंगे और नमक टेस्ट करेंगे बाद में, अभी पता नहीं चलेगा, बाद में हम टेस्ट करके ऐड करते रहेंगे थोड़ा नमक और लेमन, तो इसका वेट भी बढ़ेगा और अभी ये फूल के पूरा फुल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो सूख के कम होगा। ठीक है, अभी ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसके नीचे एक ऐसा प्लेट मेटल का लगा लिया, इससे जरा सा बड़े साइज का, ताकि कोई ठोकर लगे तो ये हमारा सिक्योर रहेगा, ये टूटे ना। ठीक है, अब हम इस पे एक पतला सा कपड़ा बांध देंगे और इसे सुबह धूप में देंगे और शाम के वक्त, शाम होने के पहले रोज उठा लेंगे। रोज हमें ये करना है अराउंड 1.5 महीने तक, ज्यादा कम लग सकता है जैसे धूप होगा, और हर 2-3 दिन के बाद हमें फ्रेंड्स इसमें कम से कम 15-20 लेमन स्क्वीज करने हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो सूखते जाएगा फिर स्क्वीज करने, ऐसे करते करते अराउंड 200 लेमन हमें इसमें डाल देने हैं। ठीक है, उसके बाद ये जब फाइनली पूरा सूख जाए फिर लेमन और नहीं ऐड करना है, फिर इसे हम ग्लास की बोतल में भर के रख सकते हैं। ये सालों साल चलता है, 10 साल से भी ज्यादा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खराबी खराब नहीं होता है और बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक वैल्यू है इसकी, डाइजेशन के लिए, एसिडिटी के लिए बहुत ही कमाल का चूरन है फ्रेंड्स ये। अब हम ऐसा कोई पतला सा कपड़ा लेंगे फ्रेंड्स, ये पुरानी कोई गंजी हो या कोई ऐसा पतला कपड़ा लेंगे, या पुराना रुमाल हो कॉटन का, हम इसे ऐसे कवर करेंगे और इसे कोई धागे से, या मैं तो रबर बैंड लगाती हूँ, आप कोई धागे से कोई चीज से इसे बांध सकते हैं। इसे आपको धूप में रोज रखना है फ्रेंड्स और शाम को हटा लेना है। ठीक है, तो ये बन के देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल सूखा हुआ और नीचे में पाउडर नमक और नींबू का भर जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये जो पीपल था ये ऐसा हो जाएगा और ये अदरक है ऐसी हो जाएगी, बाकी मसाले। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज देखते रहिए, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, फिर मैं कुछ और भी चूरन आपके लिए लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।